1975 के इमरजेंसी से कुछ महीने पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, एक पॉलिटिकल ड्रामा, नाम था आंधी। फिल्म उस समय शांति से रिलीज हुई, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इस पर खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते इंदिरा गांधी ने फिल्म पर बैन लगा दिया। ये बैन 2 साल तक रहा, क्योंकि उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और उन्होंने न सिर्फ आंधी पर लगा बैन हटाया बल्कि उसे नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट भी करवाया। आज भी सेंसरशिप पर बहस बिना आंधी के पूरी नहीं होती। ऐसा इंपैक्ट था फिल्म का। आंधी डायरेक्ट करने के बाद भी गुलजार डायरेक्शन में एक्टिव रहे, लेकिन अब उनकी फिल्में पॉलिटिकल सब्जेक्ट से दूर थी। ये दूरी भी मिट गई, वो भी आंधी के करीब 21 साल बाद, जब गुलजार साहब ने अपनी अगली पॉलिटिकल फिल्म बनाई जिसका बैकड्रॉप ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के एंटी सिख दंगे थे। फिल्म का टाइटल था माचिस, जिसे एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया हमारे युवाओं को दर्शाने के लिए कि कैसे वो माचिस की तरह हैं, जिनसे आप दिया भी जला सकते हैं या बम भी फोड़ सकते हैं। माचिस के प्लॉट को एक लाइन में समेटना समझदारी बिल्कुल नहीं, बस इतना कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यवश ये फिल्म आज भी रेलेवेंट है। हाय, मैं हूं सोनाली, आप देखना शुरू कर चुके हैं मैटनी शो। आज के हमारे सेगमेंट का नाम बॉलीवुड किस्से हैं। बीती 25 अक्टूबर को माचिस ने अपनी रिलीज के 25 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर हंसल मेहता ने माचिस का पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करके लिखा, वो फिल्म जिसने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी, मेरी भी। यहां बता दें कि हंसल ने ही माचिस के सारे ट्रेलर और प्रोमोज रेडी किए थे। माचिस बहुत लोगों के लिए पहला अनुभव था। तब्बू को अपना पहला नेशनल अवार्ड इसी फिल्म ने दिलाया। चंद्रचूर सिंह और जिमी शेरगिल जैसे एक्टर्स का ऑन स्क्रीन डेब्यू भी यही हुआ और फिल्म के गाने, उनके बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती, बिल्कुल नहीं। विशाल भारद्वाज का म्यूजिक फिल्म को अलग बुलंदियों पर लेकर गया। फिल्म का गाना छोड़ आए हम वो गलियां सिंगर केके का पहला हिंदी सॉन्ग था, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज के एपिसोड में हम माचिस से जुड़े कुछ सुने अनसुने कम सुने किस्से सुनाने वाले हैं। यूपी के सरदार नगर में एक पंजाबी जॉइंट फैमिली रहती थी जिनके नाम कई बड़े खेत थे। पटियाला में अपना घर था, इसीलिए स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद घर के बेटे जसजीत को पटियाला भेज दिया गया ताकि वो कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन कर ले। अपने कॉलेज के दौरान ही जसजीत यानी जिमी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से घर वालों ने बातचीत बंद कर दी थी। जिमी एक सरदार था, लेकिन कॉलेज के दिनों में अपने लंबे बाल मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसने अपने केश कटवा दिए। जब ये बात घर तक पहुंची तो पूरा परिवार इतना नाराज हुआ कि अगले 1.5 साल तक किसी ने सीधे मुंह जिमी से बात नहीं की। वैसे तो जिमी का घर में सभी ख्याल रखते थे, उसे बहुत प्यार करते थे, सभी से बॉन्डिंग अच्छी थी, पर उसका मन मिलता था अपने कजिन भाई सुमिंदर के साथ जिनका परिवार दिल्ली रहता था। जिमी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, अब प्लान था MBA करने का कॉलेज और आगे की प्लानिंग चली रही थी कि एक दिन बुरी खबर घर पहुंची कि किसी ने सुमिंदर के पिता की हत्या कर दी। ये ट्रेजेडी पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, खासतौर से सुमिंदर के लिए जो अब अकेला पड़ चुका था। उसने जिमी के पिता से रिक्वेस्ट की कि कुछ दिनों के लिए वो जिमी को दिल्ली भेज दें उनके साथ रहने के लिए। जिमी अब दिल्ली पहुंच गए, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सुमिंदर के साथ बिताते, उसके स्टोर का काम भी देखते जहाँ बड़े डिजाइनर्स का आना जाना था। एक दिन सुमिंदर ने जिमी को सुझाव दिया कि फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। जिमी के लिए ये चौंकाने वाला था क्योंकि उन्हें हिंदी फिल्मों में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं। आर्ट जगत से जो थोड़ा बहुत कनेक्शन था वो भी बस उनके पिता की बुआ की वजह से, जिन्हें हम सब मशहूर आर्टिस्ट अमृता शेरगिल के नाम से पहचानते हैं। जिमी के मन में एक्टिंग को लेकर हिचकिचाहट थी, लेकिन सुमिंदर पीछे पड़ गए कि जिमी को एक्टिंग में ट्राई करना ही चाहिए। जिमी अब एक्टिंग के नाम की घुट्टी घोल कर पी चुके थे, इसीलिए मुंबई चले आए। घर वालों को लगा था कि जोश 10-15 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और एक्टिंग सीखने लगे। साल था 1994, कहीं से जिमी को पता चला कि गुलजार फिल्म बना रहे हैं। वो बस एक बार गुलजार से मिलना चाहते थे ताकि नई फिल्म पर उनको असिस्ट कर सके, क्योंकि किसी ने बताया था कि एक्टिंग का रास्ता डायरेक्शन से होकर जाता है। जिमी गुलजार साहब के ऑफिस पहुंचे, बताया कि एक्टिंग सीख रहे हैं और उन्हें असिस्ट करना चाहते थे। गुलजार बातों से उनके एक्टर बनने की इच्छा को भांप गए, अपनी नई फिल्म माचिस की स्क्रिप्ट थमा दी। अब इसे ना जिमी ने एक बार में पूरा पढ़ डाला। फिर गुलजार साहब ने पूछा कि कहानी में तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था। सामने से जवाब आया जयमल सिंह, क्योंकि उसका और जयमल दोनों का ही निक नेम जिमी था। गुलजार ये सुनकर हंस पड़े और उसी वक्त जिमी को फाइनल कर लिया।
जिमी भले ही माचिस में एक्टिंग रोल के लिए फाइनल हो गए हो, लेकिन वो अभी भी गुलजार को असिस्ट करना चाहते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हर दिन उन्हें सेट पर आने दिया जाए ताकि वो कुछ ना कुछ तो सीखते रहे। गुलजार साहब को कोई एतराज नहीं था। फिल्म शूटिंग के पहले दिन से जिमी सेट पर अपनी अटेंडेंस मार्क करते और दिन खत्म होने तक काम करते, लेकिन अभी उनके हिस्से की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। उस दौरान तब्बू और चंद्रचूड़ के किरदारों के फ्लैशबैक सीन्स शूट किए जा रहे थे। मतलब करीब 20-25 दिन बाद जिमी को पहली बार कैमरा फेस करने का मौका मिला। वो सीन याद कीजिए जब ट्रक में पहली बार कृपाल जिमी से मिलता है, पूछता है कि बैग में क्या है और वो कहता है कि इसमें अनार है। वहीं जिमी का फिल्म और रियलिटी में पहला सीन था। अक्सर एक्टर्स से, नए एक्टर्स से पूछा जाता है कि पहले सीन में नर्वस थे, कितने कितने रीटेक दिए। माचिस को लेकर जिमी कहते हैं कि रीटेक्स की नौबत ही नहीं पड़ी क्योंकि गुलजार साहब का विजन इतना क्लियर था। हाँ, वो बस फिल्म के गाने को अपने सबसे मुश्किल अनुभव में गिनते हैं। छोड़ आए हम वो गलियां। गाने की शूटिंग चल रही थी, टाइट क्लोजअप के लिए फ्रेम सेट था। जिमी और एक दूसरे एक्टर को पहाड़ से उतरना था, इस तरह कि दोनों एक समय पर एक साथ फ्रेम में ना दिखाई दें। मार्किंग भी की गई, लेकिन शूटिंग के वक्त हर बार गड़बड़ हो रही थी। जिमी और उनके को एक्टर का कोऑर्डिनेशन बार बार बिगड़ रहा था, जिसकी वजह से टेक पे टेक चल रहे थे। जिमी को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपने उस अनुभव को आज तक याद करते हैं। अब गाने का शूट पूरा हो जाने के बाद उन्होंने गुलजार साहब से रिटेक्स पर बातचीत की। गुलजार के जवाब ने जिमी के मन का बोझ हल्का कर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्निकल गड़बड़ की वजह से रिटेक्स लेने पड़ रहे थे, तुम दोनों की वजह से बिल्कुल नहीं। माचिस के लीड एक्टर चंद्रचूड़ सिंह की कहानी भी जिमी शेरगिल की तरह ही थी। यानी शुरुआत से एक्टिंग करने का प्लान था नहीं। जब दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ रहे थे तब सपना था यूपीएससी क्रैक करने का, ताकि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाए, लेकिन किसी वजह से इस रास्ते से ऑफ ट्रैक होना पड़ा। 1988 में चंद्रचूड़ मुंबई आ गए एक्टर बनने के लिए। पहली फिल्म भी मिल गई जहां उनके साथ सुचित्रा कृष्णमूर्ति थी। फिल्म को जब प्यार किया तो डरना क्या के टाइटल से बनाया जा रहा था। 1990 में चंद्रचूड़ की पहली फिल्म फ्लोर पर आ गई, लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म की लगभग 60-80% शूटिंग पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद इसे डब्बा बंद कर दिया गया। फिल्म हाथ से जाने की निराशा सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं थी। आगे सौदागर और बेखुदी जैसी फिल्मों में भी उन्हें लास्ट मिनट पर रिप्लेस कर दिया गया था। ये सिलसिला अगले 4-5 साल तक चलता ही रहा, जहां लगता कि ये प्रोजेक्ट उनकी डेब्यू फिल्म बनेगी, लेकिन फिर भ्रम टूट जाता। चंद्रचूड़ खुद को रियलिटी चेक देते रहते थे। जानते थे कि अगर एक्टिंग में बात नहीं बनी तो कुछ और ऑप्शन निकालना ही पड़ेगा। म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई थी, इसीलिए पहले दिल्ली की वैली स्कूल और फिर देहरादून की दून स्कूल में म्यूजिक पढ़ाने लगे। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही उन्हें एक दिन जया बच्चन का फोन आया, जो उन्हें ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बैनर तले बन रही फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए कास्ट करना चाहती थी। जया ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। उन दिनों उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी। स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्हें पता चला कि गुलजार अपनी नई फिल्म पर काम कर रहे हैं। सोचा कि उनसे भी मिल लिया जाए, क्या पता कुछ बात बन जाए। यही सोचकर गुलजार के ऑफिस पहुंचे। आंधी के डायरेक्टर ने पूछा कि अपना कोई पहले का काम दिखाओ। चंद्रचूड़ के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस स्क्रीन टेस्ट के, जो वो जया बच्चन की फिल्म के लिए देख कर आए थे। बस उसके बारे में बता दिया। गुलजार ने टेस्ट की फुटेज मंगवाई। उन्हें चंद्रचूड़ का काम पसंद आया, इतना कि उन्होंने कृपाल सिंह के लिए उन्हें फाइनल कर दिया। गुलजार को कृपाल के लिए ऐसे एक्टर की जरूरत थी जिसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी हो। चंद्रचूड़ उनसे मिलने से पहले इस बात से वाकिफ नहीं थे, वो बस बिना शेव किए चले गए थे। अगर शेव करके जाते तो शायद हमें कृपाल के रोल में कोई और एक्टर को देखने को मिलता, जैसे जैकी श्रॉफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि कृपाल का रोल पहले उन्हें ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने दो कारणों से मना कर दिया था। पहला, उन्हें लगा कि प्रोड्यूसर शायद उन्हें सही पैसे नहीं दे पाएगा, और दूसरा कि फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें पंजाब जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो कुछ भी कमिट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने पीछे हटना बेहतर समझा। अब माचिस को देखकर लगता है कि उसका हर एलिमेंट सही जगह पर फिट हुआ, फिर चाहे वो एक्टिंग हो, म्यूजिक हो या डायरेक्शन, इसीलिए जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। हिंदी मेनस्ट्रीम सिनेमा में मेकर्स पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स को छूने से कतराते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी का डर, ऊपर से फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, लेकिन माचिस ने ऐसे सभी अनुमान गलत साबित कर दिए थे क्योंकि ये एक बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस बनकर उभरी भी थी। माचिस एक बहादुर फिल्म है जो देखी जानी चाहिए। अगर अब तक आपने किसी वजह से नहीं देखी है तो बाकी आज के मैटनी शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।